हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम औसत एवरेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल की सतह से हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले औसत का अर्थ होता है माध्य या फिर समांतर माध्य। फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। सभी को पता होगा कुल राशि कैसे निकालते हैं। कुल राशि निकालते हैं हम औसत गुणा राशियों की संख्या का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम कुछ नियम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है, यदि n संख्याएं हैं हमारे पास, उनका औसत m है। यदि हमसे क्वेश्चन में बोले कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जा रहा है तो औसत क्या हो जाएगा? औसत भी m प्लस x हो जाएगा। ठीक है, औसत में भी x जुड़ जाएगा। अगर हमसे बोले प्रत्येक संख्या में से x घटाया जा रहा है तो औसत में से भी x घटाया जाएगा। अगर हमसे बोले प्रत्येक संख्या में x का गुणा हो रहा है तो औसत में भी x का गुणा होगा। और यदि हमसे बोले x का भाग दे रहे हैं प्रत्येक संख्या में तो औसत में भी m बटे x हो जाएगा। ठीक है, ये चार रूल थे। मतलब हम अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते, घटाते, गुणा करते या फिर भाग देते हैं तो औसत में भी उसी संख्या का जोड़ गुणा भाग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, यदि 20 प्रेक्षणों x1, x2 से लेकर x20 का औसत y है, तब x1-101, x2-101, मतलब हर संख्या में से क्या घटा दिया? 101 घटा दिया। तो मैंने अभी क्या बताया था, कुछ भी अगर आप घटाते, जोड़ते, भाग देते या फिर गुणा करते हो तो वही औसत में से भी हो जाएगा। तो औसत क्या था? y, y में से भी 101 घट जाएगा। तो ये इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर है। अब हम कुछ जो क्रमागत संख्या है उनका औसत देख लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने ही चाहिए। यदि हमसे बोले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो होता है n प्लस 1/2। यदि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोले तो वो होता है n प्लस 1। n विषम संख्याओं का औसत बोले तो वो होता है n। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2, सम संख्याओं का n प्लस 1, n विषम संख्याओं का औसत n होता है। अगर हमसे बोले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 आगे, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर हमसे बोले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश n का क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यदि हमसे बोले n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो होगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 अपॉन 3। एक बार और याद कर लेते हैं सारे। देखो तीन ज्यादा इसमें टफ हैं, वो की याद करने हैं हमको। सबसे पहले है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश डैश n का स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यदि हमसे बोले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो उसको बोलते हैं n n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, n n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। यदि n सम संख्याओं के वर्गों का औसत बोले, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश डैश, तो उसको बोलेंगे, उसका औसत होगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 100 तक। तो हमारा क्या n क्या हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, तो इसका औसत क्या, फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1/2, यानी कि 100 प्लस 1/2, मतलब 50.5 हमारा औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सेकंड हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर सम संख्याओं की बात करें तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1, और यदि यहीं पर विषम संख्याओं की बात करता, विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n, दोनों आपको याद रखने। हमसे 50 सम संख्याओं का बोला है तो 50 प्लस 1 51 आंसर हो जाएगा। अगर 50 विषम संख्याओं का बोलता तो n ही आंसर होता, 50 ही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप कैसे पूछा जाता है। पहला हमारा है 30 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का
औसत 10 दे रखा है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमसे पूछिए अंतिम संख्या क्या होगी। देखो टोटल 15 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 30, तो 15 गुणा 30 मतलब 450 हमारे पास कुल राशि आ गई। ठीक है, उसमें से बोला है प्रथम 18 संख्याओं का कितना है 10, तो मतलब 10 गुणा 18, 18 गुणा 10 180। ठीक है, अंतिम अगली जो 11 संख्या है उनका है 20 गुणा 11 मतलब 220। ठीक है, ये हो गया। अब अंतिम संख्या कैसे निकलेगी, अंतिम संख्या निकलेगी ये टोटल जो 15 का औसत था कुल राशि थी उसमें से हम 18 और 11 इन दोनों का जो औसत है उसको घटा देंगे, जैसे कि 450 इसमें से 180 और 220 घटा दिया हमने, तो अंतिम संख्या क्या निकल गई 50 निकल गई, क्योंकि ये हमको 18 प्लस 11 29 संख्याओं का तो हमको राशि निकल गई, बची एक, 30 में से 29 का घटा दिया तो अंतिम संख्या निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, हमको दे रखा था 30 संख्याओं का औसत, तो 30 गुणा 15 कुल राशि 30 गुणा 15 की 450 आ गई, 18 संख्याओं का 10 दे रखा था 18 गुणा 10, 11 का 20 दे रखा था 11 गुणा 20, और इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे जोड़ के, तो अंतिम संख्या निकल जाएगी। अब अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है हमारा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमसे बोला है 7 संख्याएं हैं उनका औसत 18 है, तो टोटल हम निकाल लेते हैं 126 हमारे पास टोटल संख्याओं का औसत योग हो गया, मतलब 126 संख्याओं का योग है। अब हमसे बोला है कि उसमें एक संख्या 17 है और 17 को हटा के हम 31 कर दें, यानी कि 126 टोटल योग था उसमें से हमने 17 घटा दिया, फिर उसको 17 को घटा के 31 कर दिया, समझ में आया क्या कह रहा हूं। टोटल योग हमारा 7 संख्याओं का था 126, क्योंकि 7 7 गुणा 18 औसत 126, उसमें से हमने क्या किया 17 जो संख्या थी उसको घटा, औसत क्या होता है मैंने आपको बताया था राशियों का योग, मतलब 7 संख्याएं x प्लस y प्लस z प्लस 1 था 17, 17 को हमने हटा दिया, 17 की जगह पे 31 कर दिया, मतलब 17 को माइनस कर दिया 31 जोड़ दिया, तो क्या जाएगा हमारे टोटल संख्याओं का योग 140। संख्या तो 7 ही रहेंगी, फिर भी 17 हटाया है उसकी जगह पे 31 कर दिया है, मतलब संख्या तो 7 है, बाकी की 6 का तो औसत सेम रहेगा, तो 140 बटे 7 क्या हो जाएगा 20 औसत हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कैसे कर सकते हो, एक ट्रिक और है, देखो 17 से 31 में चेंज हुआ कितना डिफरेंस हुआ 14 का डिफरेंस हुआ, हमारे पास संख्याएं कितनी थी 7, तो 14 बटे 7 मतलब 2 का जो औसत है वो जुड़ रहा है, 2 का औसत जुड़ रहा है, तो 18 टोटल औसत था, 18 में 2 का जुड़ गया तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले तरीका बताया वो ज्यादा आपको इजी लगेगा, दूसरे वाले को आप भूल भी सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं 25 व्यक्तियों का औसत भार n किलोग्राम था, कुछ ना कुछ तो औसत होगा 25 व्यक्तियों का, मान लिया हमने n, मान लो x, मान लो कुछ भी मान लो आप, तो 25 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा 25 गुणा x, जो कि हमने ऊपर भी किया था 7 गुणा 18। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी कर रहे हैं, एक्स हमने मान लिया उनका औसत 25 गुणा एक्स मतलब 25 एन किलोग्राम हमारा टोटल भार आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि उसमें से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को हम हटा देते हैं, 60 हटा दिया मतलब 25 एन माइनस 60, 60 वाला हटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हम दूसरा व्यक्ति ला रहे हैं जो कि 1 किलोग्राम की वृद्धि कर दे रहा है औसत में, यानी दूसरा व्यक्ति हम लेके आए, माना एक्स किलोग्राम का दूसरा व्यक्ति था वो हम लेके आए, नए व्यक्ति का कुल भार कितना हो जाएगा 25 एन माइनस 60 प्लस एक्स। ठीक है, अब संख्या क्या हो जाएगी, अब औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा वही सेम संख्या तो सेम रहेगी 25 ही, औसत हो जाएगा 25 एन माइनस 60 प्लस एक्स अपन 25, हमसे क्या बोल रहा है कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, मतलब एन प्लस 1 हो रहा है, इसको कर देंगे बराबर, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 85 किलोग्राम, मतलब जो नया व्यक्ति जो जोड़ा है 85 किलोग्राम का जोड़ा होगा। और कैसे कर सकते हो आप इसको, अगला हमारा क्वेश्चन है
छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, 14 छात्र हैं उनका प्राप्त अंकों का औसत 71 दे रखा है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत बताइए। हम देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 थे, मतलब कितना अंतर आया 56 और 42 में, 14 हमने ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, 56 की जगह 42 थे तो मतलब 14 हमको और बढ़ाने हैं। दूसरे छात्र के प्राप्त अंक 32 की बजाय 74 कर दिए, मतलब हमने ज्यादा कर दिए तो कम करने होंगे, 42 घटाने होंगे, तो इन दोनों में कितना अंतर आया, मतलब 28 अंक हमको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने होंगे, 28 अंक हमको सॉरी घटाने होंगे क्योंकि 42 ज्यादा घट रहे हैं, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे क्या बोला है कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की जगह 42 लिख दिए, मतलब हमको 14 क्या कर दिए, बढ़ाने पड़ेंगे, हमको कम लिखे हैं, एक के 32 की जगह 74 लिख दिए, मतलब हमने बढ़ा के लिखे हैं तो घटाने पड़ेंगे, 42 घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 14 और 42, 14 बढ़ाने हैं 42 घटाने, मतलब टोटल इनमें से 28 क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, 28 घटाएंगे तो जो हमारा औसत था 71 माइनस 28 और हमारे छात्र कितने थे 14, 14 मतलब 69 हमारा क्या हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तब उस अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो जब 25 छात्र हैं और उनका औसत भार 50 है तो टोटल भार कितना हो गया, 1250 किलोग्राम हमारा टोटल भार हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जब अध्यापक शामिल हो जाएगा तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 1250 प्लस एक्स, ठीक है। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 25 तो पहले से ही थे, अध्यापक और शामिल कर लिया मतलब 26, हमसे बोल रहा है औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 50 प्लस 1 51, यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1326 निकल जाएगी।